हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज डॉक्टर हर्षिन. एंड जैसे आप सब जानते हैं आजकल वैलेंटाइंस वीक चल रहा है, तो आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस स्पेशल वीडियो व्हिच विल बी ऑन वैलेंटाइंस डे ओनली. सो आज हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स पे. अब आप सोच रहे होंगे रिलेशनशिप्स और हेल्थ का क्या रिलेशन है, बट रिलेशनशिप्स एंड हेल्थ आर वेरी क्लोजली रिलेटेड. अगर हम एक हेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो हम फिजिकली एज वेल एज मेंटली भी हेल्दी रहते हैं, और अगर हम एक अनहैप्पी अनहेल्दी रिलेशनशिप में हैं तो वो हमारी हेल्थ को बहुत इफेक्ट करता है. तो हम पहले सबसे बात करेंगे व्हाट इज अ हेल्दी एंड अ अनहेल्दी रिलेशनशिप. सो एक हेल्दी रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें आप बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं, एक दूसरे की स्ट्रेस को शेयर कर पाते हैं, एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर कर पाते हैं, एक ऑनेस्टी है, एक इंटीमेसी है, एक सिक्योरिटी आप फील करते हैं. ये एक हेल्दी रिलेशनशिप की निशानी है. एक अनहेल्दी रिलेशनशिप में क्या है, जहाँ बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है. लड़ाई इतनी ज़्यादा जो कि रोज़मर्रा की जिंदगी में होती है, जिसका कोई एंड नहीं है. छोटी छोटी बात पर लड़ाई हो जाना, वॉयलेंस, मारपीट होनी रिलेशनशिप में, ये सब जो है वो एक अनहेल्दी रिलेशनशिप की निशानियाँ हैं. सो नाउ अब हम क्या कर सकते हैं जिसके साथ हमारा जो रिलेशनशिप है वो हेल्दी रहे. अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूँ तो आई थिंक सो आप सबको एक बारी ज़रूर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि इसका आंसर है आपके पास. हम डेली की लाइफ में अपना अर्निंग करने के लिए कुछ करते हैं, मतलब हर काम के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं. क्या हम अपनी डेली लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप नर्चर हो सके? तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोगों का आंसर विल बी नथिंग. कुछ भी उनको आंसर नहीं इस बात पे आएगा. क्यों? क्योंकि हम कुछ भी नहीं करते अपने रिलेशनशिप को नर्चर करने के लिए. बट दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक. हम क्या कर सकते हैं जिसके साथ हमारा रिलेशनशिप हेल्दी रहे? उसके लिए सबसे पहले जो एक बात है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, दैट इज फाइंडिंग द राइट पर्सन. अब फाइंडिंग का राइट पर्सन के लिए कोई बेसिक लॉ या बेसिक थ्योरी तो है नहीं. हर एक की चॉइसेस अपनी हैं, हर एक की प्रायोरिटीज अपनी हैं. नो डिपेंडिंग अपॉन दैट चॉइसेस, डिपेंडिंग अपॉन दैट प्रायोरिटीज, हमने अपना पार्टनर सिलेक्ट करना है. अब इस बात पे हमें कभी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए. हमें अपना टाइम देना चाहिए. हमें जो प्रायोरिटी, जो हमें एक नीड हमारी, जो हम चाहते हैं एक पार्टनर से, हमें वो पूरा टाइम लेके अपना पार्टनर सिलेक्ट करना चाहिए. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हमें अपने पास से जो हमने कभी कोई मिस्टेक करी है हमें उनसे लर्न करना चाहिए. ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट इज़ फाइंडिंग द राइट पर्सन फॉर यू. Now once you find the right person, उससे आगे क्या? उससे आगे बहुत ज़रूरी है एक mutuality का होना. Now what is mutuality? अब जब दो person कोई भी मिलते हैं तो it is not, कोई भी दुनिया में perfect नहीं होता, तो there are always कुछ ना कुछ कमी किसी ना किसी में रहती है. तो आपने किस बात पे emphasis करना है कि जो कमी है एक में, दूसरे ने उसको वो पूरा करना है. mutuality में बहुत चीज़ें आ जाती हैं, that is sharing a responsibility. मैं यहाँ पे एक बहुत छोटी सी एग्जांपल कोट करना चाहूँगी, दैट इज़ वेरी कॉमन इन आर इंडियन सोसाइटीज़, और वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है. रीज़न बीइंग, क्योंकि आजकल विमेन जो वर्किंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. अब बहुत नंबर में लाइक जो वर्किंग वुमेन है, दे हैव इंक्रीज द परसेंटेज हैज इंक्रीज ऑफ द वर्किंग वुमेन. तो आजकल हम क्या देखते हैं, सबसे पहली जो बात है, फीमेल घर का काम भी करती है, वो बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मेल के साथ शेयर करती है. बट मोस्ट ऑफ द मेल्स ओनली डू द आउटसाइड वर्क. वो घर का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल के साथ शेयर नहीं करते हैं. दिस इज़ वेरी वेरी रॉन्ग. एक्चुअली अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करते हो ना, इसमें आपका रिलेशनशिप ग्रोथ, रिलेशनशिप की ग्रोथ में हेल्प मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किचन में इकट्ठे टाइम स्पेंड करते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ योर वाइफ इज कुकिंग समथिंग एंड यू आर हेल्पिंग हर इन अ डेली कोर्स, तो उसमें क्या है कि आपको इकट्ठे टाइम स्पेंड करने का मौका मिलता है. सो दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर अ रिलेशनशिप. हम मान लीजिए आप हस्बैंड एंड वाइफ हैं. हस्बैंड को जिम जाने का बहुत शौक है, वाइफ को बिल्कुल नहीं है. तो उसको शी शुडेंट से कि मैंने नहीं जाना,
She should actually accompany her husband to the gym. It will only help in nurturing the relationship more. So that is very important in a relationship. Next is emotion regulation. अगर हम इमोशन रेगुलेशन की बात करें, इसमें क्या मतलब है कि जो हमारे इमोशंस हैं उस पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए. दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. अब मैंने अक्सर फीमेल्स देखी हैं, मैं आपको एक यहाँ पे भी एक एग्जांपल, क्योंकि मेरे पास पेशेंट्स आते हैं एंड वी टेक द मेंटल हिस्ट्री, सो एक मैं बहुत अच्छी एग्जाम्पल कोट करना चाहूँगी. कुछ दिन पहले मेरे पास एक फीमेल का केस आया. शी इज़ लाइक उसको एंगर मैनेजमेंट भी उसकी चल रही है. So I just asked, she quoted an incident actually. She said, I was having my birthday few days back. Uska birthday tha. And uske husband ne usko pucha, ki what you need for your birthday? And she told her, I don't want anything. Husband ab kya sochega is baat pe? Okay fine, if you don't want anything, to usne kuch nahi la ke diya. To is baat pe female ko bahut gussa aaya. Agar hum is pure incident ko dekhein, because वी आर सीइंग दिस, वो दोनों इन्वॉल्व हैं इंसिडेंट में और हम बाहर से देख रहे हैं सिचुएशन को, तो हमें क्या लग रहा है कि वाइफ की भी कोई गलती नहीं है, हस्बैंड की भी कोई गलती नहीं है. हस्बैंड को बोला गया मुझे कुछ नहीं चाहिए तो उसने कुछ नहीं ला के दिया. बट एक्चुअली मोस्ट ऑफ द फीमेल्स, कई बार मेल्स की भी क्या प्रॉब्लम रहती है कि वो एक्सपेक्ट ये सोच के चलते हैं कि हमारा पार्टनर हमारा माइंड रीड करे. बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल. एक्चुअली हम चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अब जैसे मान लीजिए यही वाली एग्जांपल में, अगर वाइफ सिर्फ इतना कह देती कि मुझे ये चीज़ पसंद है, अगर पॉसिबल है तो आप मुझे ये चीज़ मेरे बर्थडे पे प्रेजेंट कर दीजिए, तो इट वुड हैव बीन क्वाइट सिंप्लीफाइड. कितना सिंपल हो जाता हस्बैंड के लिए भी, उसको भी पता लग जाता कि वाइफ को ये चीज़ चाहिए, वो भी ला के दे देता. सो बेसिकली क्या है कि हमें रिलेशनशिप्स में दोनों चीज़ों, दोनों साइड से, दोनों पार्टनर्स को काम करना इक्वली पड़ता. इसी बात में मैं आपको एक बहुत यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगी, जो आजकल रिलेशनशिप्स को ग्रोथ ना होने में या रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. दैट इज़ लेस ऑफ कम्युनिकेशन. हम घर में बैठते हैं, हमारे साथ सारा टाइम मोबाइल रहता है, मोबाइल नहीं तो टीवी है. मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमें वर्चुअल वर्ल्ड में रहने की आदत पड़ गई है. वी आर नॉट इन द रियल वर्ल्ड. और उसका इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक इफेक्ट हो रहा है. उसकी प्रॉब्लम क्या आ रही है, व्हाट वी सी वर्चुअली, हम क्या देखते हैं, लोग फेसबुक पे फोटोग्राफ्स डाल रहे हैं, वी आर गोइंग हियर, वी आर गोइंग देयर ऑन द वेकेशन, फिर मतलब कुछ ऐसा. एंड इट समटाइम्स पेशेंट्स जो मेरे पास कही आते हैं, मैं केसेस आई हैव सीन, दे आर सो डिस्टर्ब्ड ऑन दिस कि सबकी लाइफ इतनी अच्छी है, हमारी बुरी की. सो यू नीड टू रियलाइज दिस, दैट इज़ अ वर्चुअल वर्ल्ड, दैट इज़ नॉट द रियल वर्ल्ड. जो आप देख रहे हैं वो हकीकत नहीं है. That is actually reality में जो हो रहा है वो नहीं है. आप real होने की कोशिश करें, mobiles पे, Facebook, WhatsApp, इन चीज़ों पे कम time spend करें, अपने partners को ज़्यादा time दें, उनकी needs का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें. It's very very important. अगर आपका relationship अच्छा चलेगा तो आपकी personal growth, आपकी family की growth बहुत अच्छी रहेगी. बैड रिलेशनशिप्स फैमिली को बहुत बुरे तरीके से इफेक्ट करते हैं. चिल्ड्रन आर अफेक्टेड बैडली. इसमें मैं, क्योंकि अब वीडियो के एंड की तरफ जा रही हूँ, मैं यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि इफ़ यू आर इन अ अनहेल्दी रिलेशनशिप, आई जस्ट टॉक्ड अबाउट अनहेल्दी रिलेशनशिप इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो. अगर रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें आपने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिश करी है, स्टिल द थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, बहुत ज़्यादा झगड़ा रह रहा है या वॉयलेंस हो रही है किसी तरीके से, जस्ट गेट आउट ऑफ दैट रिलेशनशिप. देर इज़ नो मीनिंग ऑफ अ अनहेल्दी रिलेशनशिप, नो मीनिंग ऑफ गिविंग एनी सेकेंड चांसेस टू एनीबडी, क्योंकि इट इज़ वेरी बेटर. बहुत अच्छी बात है अगर आप अकेले रह सके, क्योंकि अगर किसी अनहेल्दी रिलेशनशिप में आप हैं तो वो आपको बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करने वाला. सो इट्स बेटर टू बी, मतलब आप उस टाइम पे उस चीज़ को क्विट कर दें, देन टू बी सॉरी लेटर ऑन. सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो विल बी रियली हेल्पफुल टू यू, क्योंकि रिलेशनशिप्स की इम्पॉर्टेंस समझना बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे. एंड आई होप यू मस्ट बी हैविंग अ वंडरफुल वैलेंटाइंस डे विद योर पार्टनर. सो विद दिस आई एम गोइंग टू एंड द वीडियो. टिल वी मीट नेक्स्ट, स्टे स्माइलिंग एंड स्टे शाइनिंग. Bye-bye.